नमस्कार दोस्तों, श्री शरद चंद्र जी द्वारा रचित उपन्यास चरित्रहीन की कहानी और भी रोचक होती जा रही है। सावित्री के व्यक्तित्व का रहस्य सतीश को उलझाता जा रहा है। उपेंद्र हरेंदा की संपत्ति के प्रति लिए गए उनके फैसले को लेकर कुछ भ्रमित है और साथ ही किरणमयी के प्रति सहानुभूति का अनुभव भी कर रहा है। सरोजनी आकृष्ट है सतीश के प्रति और सावित्री वो ना जाने कहाँ है। आइए कहानी के पात्रों के इन्हीं बनते बिगड़ते समीकरणों को समझते हुए सुनते हैं उपन्यास चरित्रहीन का अगला अध्याय। तीक्ष्ण बुद्धिमती किरणमयी ने पति की बीमारी के कई दिनों में उपेंद्र को घनिष्ठ भाव से अपने निकट पाकर उन्हें पहचान लिया। इससे उसकी अपनी स्वार्थ हानि की व्याकुल आशंका ही दूर नहीं हो गई, बल्कि इस अपरिचित व्यक्ति के प्रति एक गंभीर श्रद्धा के भाव से उसका संपूर्ण हृदय उसी प्रकार अनुकूल हो उठा जैसे जल से भरा बादल बरसने बरसने को हो जाता है। ऐसा आदमी उसने कभी देखा नहीं था। ऐसे आदमी के संपर्क में आने के भाग्य की कल्पना ही उसने कभी नहीं की थी। इसीलिए इस थोड़े समय के परिचय में उसने अपने भविष्य के सब सुख दुख उन्हीं के हाथ में निशंक चित्त हो सौंप दिए और उन पर निर्भय हो निर्भर करने जाकर उसे पहली उपलब्धि यह हुई कि उसके चिर कारारुद्ध प्राण को मानो खुले मार्ग का आलोक देखने को मिला। उपेंद्र सुबह से रात तक रहकर रोगी मित्र की सेवा कर रहे थे। प्रयोजन के इस दृष्टि से इस सेवा की कोई कीमत न थी, क्योंकि हारान की जीवन रक्षा की कोई आशा अब भी नहीं थी। किंतु इस सेवा ने किरणमयी की आंखों में उसके पति की सूखी देह को भी बड़ा मूल्यवान बना दिया। उस अर्धमृत देह के लोभ से वह एकाएक बुरी तरह लुप्त हो उठी। उसके आचार व्यवहार का यह आकस्मिक और अमानवीय परिवर्तन मृत्यु के किनारे खड़े हारान ने भी देखा। बचपन से किरण किसी आत्मीय के घर रहकर बड़ी हुई थी और वहां से उससे भी अधिक आत्मीय पति के घर आई थी। सास अघोरमयी ने कभी उसको लाड़ प्यार नहीं दिया, बल्कि जहां तक हो सका उसे कष्ट ही देती आई है। पति ने भी एक दिन उसे प्यार नहीं किया। वह दिन को स्कूल में पढ़ाते थे, रात को स्वयं अध्ययन करते थे तथा बहू को पढ़ाते थे। विद्या अर्जन के नशे ने उसे इस तरह पकड़ रखा था कि दोनों में गुरु शिष्या के कठोर संबंध के अलावा पति पत्नी के मधुर संबंध के लिए कोई अवकाश ही नहीं रह गया। इस प्रकार करते हुए यह निरुपमा अत्यंत बुद्धिशालिनी रमणी शैशव को पार कर भरी जवानी के बीच आ खड़ी हुई थी। घर गृहस्थी के सौंदर्य और मिठास से दूर हटा दिए जाने के कारण वह शुष्क और कठोर हो गई थी तथा इस प्रकार स्नेह प्रेम से वंचित होकर नारी के श्रेष्ठ धर्म को भी तिलांजलि देने लगी थी। अघोरमयी सब कुछ जानती थी। उनकी रूपसी बहू स्त्री धर्म की पूरी मर्यादा का पालन करते हुए नहीं चलती, यह भी वह समझती थी। किंतु उनका पुत्र मृत्यु की गोद में जा रहा है, दूसरे दुख का दिन नजदीक आ गया है। यही सब सोचकर बहू के प्रतिकूल आचार व्यवहार की उपेक्षा कर रही थी। जो डॉक्टर हारान की चिकित्सा कर रहा है वह किस आशा से बिना पैसा लिए औषधि और पथ्य की व्यवस्था कर रहा है, बल्कि गृहस्थी का भी लगभग आधा व्यय भार उठा रखा है, यह उनसे छिपा नहीं था। किंतु मरती हुई संतान की चिकित्सा के निमित्त किसी भी अन्याय को बड़ा मानकर देखने का साहस उन्हें ना था, वैसी शिक्षा भी न थी। फिर वह पुत्रवधु को प्यार भी नहीं करती थी। उन्हें इस विषय में भी कोई संदेह न था, न कोई आपत्ति थी कि उपेंद्र भी
इसी जाल में धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं और अकातर भाव से इतना पैसा खर्च करने और अथक सेवा करने का गोपनीय उद्देश्य बचपन के बंधु भाव को लांघकर कहीं और जड़ जमा रहा है। कल से उपेंद्र नहीं आए थे। अघोरमयी अपने कमरे की चौखट के बाहर एक जीर्ण और मैली चादर ओढ़े बैठी यही सोच रही थी। शीत का सूर्य तब भी अस्त नहीं हुआ था, किंतु इस मकान के अंदर के हिस्सों में इस बीच अंधकार की छाया पड़ चुकी थी। कब सूर्यदेव उगते हैं और कब अस्त हो जाते हैं, अच्छे दिनों में भी यह खबर इस मकान के लोग नहीं रखते थे। और अब तो इन दुख के दिनों में उसके साथ प्रायः सब संबंध ही टूट गया था। अघोरमयी ने पुकारा था, बहू माँ संध्या का दिया जलाकर जरा यहां बैठ दो बेटी, एक बात कहनी है। किरणमयी उसी कमरे में काम कर रही थी, बोली, अभी शाम नहीं हुई है, तुम्हारा बिस्तरा बिछा दिया है। अघोरमयी ने कहा, अभी से मेरा बिछौना, सोने के समय मैं ही बिछा लूंगी। नहीं नहीं तुम जाओ ना बेटी, दीपक आदि जलाकर जरा ठंडा होकर बैठो, रात दिन खटते खटते तुम्हारी देह आधी रह गई है, इसका भी जरा ध्यान रखना चाहिए बेटी। इतना कहकर एक लंबी सांस लेकर चुप हो गई। थोड़ी देर बाद बहू के पास आकर बैठ जाने पर वह रोककर बोल उठी, पहले दिया आदि। बहू थके स्वर में बोली, माँ तुम क्यों परेशान होती हो, अभी शाम होने में काफी देर है। अघोरमयी ने कहा, भले हो, नीचे जो अंधेरा है दिन रहते ही सीढ़ी का दिया जला देना अच्छा है, हो सकता है उपेंद्र अभी आ जाए, कल से वह आया नहीं है। क्यों बहुरानी, देखती हूँ अब तक तुम्हारा मुंह हाथ धोना और केश बांधना नहीं हुआ है, इतनी देर तक क्या कर रही थी। सास के स्वर में अकस्मात इस विरक्ति का आभास पाकर विस्मित बहू थोड़ी देर उनके मुंह की तरफ देखती रही, फिर जरा हंसकर बोली, क्या मैं इस समय रोज हाथ मुंह धोती या कपड़े बदलती हूँ माँ, अभी तक तो मेरा रसोई घर का ही काम खत्म नहीं हुआ। सास विरक्त होकर बोल उठी, उसके बाद का काम उसके बाद होगा बहुरानी, अभी जो कहती हूँ उसे सुनो। बहू जाने के लिए तैयार होकर बोली, जाऊं दिया आदि जला दूं तब तुम्हारे पास आकर बैठूं। अघोरमयी तिनक गई, मेरे पास इस समय व्यर्थ बैठने से क्या होगा बेटी, पहले काम है कि पहले बैठना है, दिन दिन तुम कैसी हुई जा रही हो बहुरानी। उनके स्नेह का दुलार हठात तिरस्कार के रूप में बदलते ही बातें कठोर और रूखी होकर किरणमयी के कानों में बिंध गई। उसने भी गुस्से में जवाब दिया, तुम मुझे किस तरह टोकती रहती हो माँ, सब समय उल्टी सुलटे बातें कहने से सुनना भाड़ में जाए, समझ में भी नहीं आती, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो ना। इतना कहकर क्षण भर भी राह न देख वह तेजी से चली गई। बहू का तेजी के साथ चले जाने का क्या मतलब है, इसे इस घर के सभी लोग समझते हैं, अघोरमयी ने भी समझ लिया। जब नीचे ऊपर दीपक जलाकर किरणमयी अपनी सास के कमरे में दीपक रखने आई, तब सास रो रही थी। उनका रुदन जब तब जिस तिस कारण से उच्छ्वसित हो उठता था। किरणमयी थमकर खड़ी हो गई और बोली, तुम्हारी हरि नाम जप की माला ला दूं मां। सास ने चादर की छोर से आंखें पोंछकर रुआसे स्वर में कहा, दे जाओ। वह कमरे में जाकर खूंटी पर से लटकती माला ले आई और सास के हाथ में देने लगी, पर सास ने माला न लेकर बहू का हाथ पकड़ लिया और जरा बैठो बेटी कहकर खींचकर उसे पास बिठाया, फिर उसके मुंह सिर और माथे पर हाथ फेरती रही, उसकी ठुड्डी छूकर चुंबन लिया और बहुत देर तक कुछ ना भूलकर रोती रही। किरणमयी कठोर होकर बैठी
स्नेह का यह सारा अभिनय सहन करने लगी। कुछ देर बाद अघोर मई ने चादर की छोर से आंखों के आंसू पोंछकर कहा, शोक और ताप से मैं पागल हो गई हूं, मेरी एक मामूली बात पर तूने क्रोध कैसे किया बेटी? किरण ने अविचलित भाव से कहा, शोक ताप अकेले तुम्ही को तो है नहीं माँ, मैं भी मनुष्य हूं, इसे भूलकर एक बात कहना भी काफी है। वैसे ना हो तो हजार बात कहने पर क्रोध भी नहीं होता। अघोर मई ने आंखें पोछते पोछते कहा, वह बात क्या मैं जानती नहीं बेटी? जानती हूं, किंतु मेरा तो एक एक करके सब कुछ चला गया। इस समय तुम ही मेरी सब कुछ हो, तुम ही मेरी बेटा बेटी हो। हारान के शोक में यदि कलेजे को संभाल सकूं तो तुम्हारा मुंह ही देखकर संभाल सकूंगी। इतना कहकर एक बार फिर चादर की खूंट से आंखें पोंछकर रोने लगी। किंतु इस धोखे में किरण आई नहीं, वह मन ही मन जल उठकर भी शांत भाव से बोली, तुम क्यों कलेजे को संभालोगी माँ, तुमने तो अभी से उसे ठीक करके रखा है, किंतु मैं कैसे कलेजे को संभाल पाऊंगी? उसे तो तुम सोचती नहीं माँ। फिर यह भी कहती हूं, ये सब बातें इस समय क्यों? जब सचमुच कलेजे को बांध कर रखने का दिन आएगा, तब समय की खींचा खींची नहीं रहेगी। वह समय इतना छोटा होकर नहीं आता माँ कि पहले से ही ठीक करके रहे बिना आए ही नहीं। बहू की बातें मीठी ना लगने पर भी उनके अंदर जो दो प्रकार के अर्थ छिपे थे उन्हें अघोरमयी पकड़ नहीं पाई, बल्कि वह बोली, समय अब क्या आएगा बेटी? उपेन उस दिन जिस डॉक्टर को लेकर आए थे वह भी तो कुछ शुभ बातें नहीं बता गए। मैं यही सोच रही हूँ बहुरानी कि उपेन यदि इस समय ना आ गया होता तो हम लोगों की न जाने क्या दुर्दशा होती। बहू को चुपचाप सुनते देख वह और उत्साहित होकर कहने लगी, उसे उसके बचपन से ही जानती हो ना, नोआखली में दोनों भाई की तरह ही रहते थे और उसी समय से वह मुझे मौसी कहकर पुकारने लगा था। जैसे बड़े आदमी का लड़का है वैसा ही खुद भी बना है। उस दिन मुझे रोते देखकर बोला, मौसी मुझे हारानदा से छोटा समझकर ही याद करना, इससे ज्यादा और कुछ कहने को मेरे पास नहीं है। मैंने कहा, बेटा मुझे किसी एक तीर्थ स्थान में रख देना, जो थोड़े दिन रह गए हैं वे गंगा स्नान करते करते कट जाएंगे और माँ गंगा की गोद में मैं अपने हारान के पास पहुंच जाऊंगी। और ज्यादा वह बोल न सकी, इस बार व्याकुल होकर रो पड़ी। बहू चुप थी, चुप ही बनी रही। अघोर में कुछ देर रो लेने के बाद कलेजे का बोझ कुछ कम हो जाने पर अंत में आंखें पोंछ गाढ़े स्वर में बोली, रह रहकर यही बात मेरे मन में उठती है कि वह यदि ना आता। नीचे कोई पुकार रहा है क्या बहुरानी? बहू ने कहा, दासी नीचे बर्तन धो रही है, कोई पुकारेगा तो खोल देगी। सास अस्थिर होकर बोली, नहीं नहीं बहुरानी तुम ही जाओ, दासी काम में डूबे रहने पर कुछ भी नहीं सुन पाती। किरण जरा भी अधीरता प्रकट ना करके धीरे धीरे बोली, मुझे भी काम है ना माँ, भोजन की तैयारी। अघोर में अकस्मात आग हो गई, भोजन तो भाग ना जाएगा बेटी, तुम कुछ समझती क्यों नहीं, जिसके ना होने। किरण उठकर खड़ी हो गई और बोली, मुझे समझने की जरूरत भी नहीं है, हम लोगों के सब आदमियों के चले जाने पर भी यदि हमारे दिन बीतने होंगे तो वे उपेन बाबू के ना रहने पर भी रुकेंगे नहीं। इतना कहकर वह रसोई घर की ओर चली गई। अघोर मई मारे गुस्से के कुछ न कह सकी और जब तक बहू दिखाई पड़ती रही तब तक उनके ज्वलंत नयनों से आग की चिंगारियां निकलकर मानो उसे धकेलकर दूर करती रही। उसके बाद वह बड़े क्रोध के साथ दासी को बार बार पुकारने लगी, उसे भी आवाज सुनाई ना पड़ी। वह ठंड के डर से शाम के पहले ही खन खन झन झन करते हुए मांजने धोने में लगी थी, इसीलिए उनका क्रुद्ध आह्वान सुन न पाई।
तब कमरे का दीपक हाथ में ले बरामदे के किनारे आई और चिल्लाकर बोली, क्यों रे तेरे कान बहरे हो गए हैं, सुन नहीं रही? उपेन बाबू 1 घंटे से बाहर खड़े पुकार रहे हैं। यह चीत्कार दासी को सुनाई दे गया। वह उपेन का नाम सुन हड़बड़ाकर उठी और उसने दौड़कर किवाड़ खोल दिए, किंतु वहां तो कोई नहीं था। बाहर सिर निकालकर अंधेरे में जितनी दूर तक देखा जा सकता है, देखकर भी जब किसी को देख ना पाई तो लौट आकर बोली, कोई तो नहीं है माँ। अघोरमयी हाथ में दीपक लिए अधीर होकर प्रतीक्षा कर रही थी। उन्हें उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वह बोली, नहीं है, मैंने तो स्वयं अपने कानों से उसकी आवाज सुनी थी। तूने गली में जाकर एक बार देखा क्यों नहीं? दासी ने कहा, देखा है, कोई नहीं है। विश्वास करने लायक बात नहीं है। उपेन कल आया नहीं, क्या आज भी नहीं आएगा? वह विरक्त होकर बोली, तू एक बार और अच्छी तरह देख कि कोई है या नहीं। बाहर अंधेरी गली में जाने में दासी को आपत्ति थी, इसलिए उसने भी खींच कर कहा, तुम्हारी यह कैसी बात है माँ? क्या वह लुका चोरी खेल रहे हैं कि अंधेरी गली में जाकर उन्हें हाथ के सहारे देखूं? इतना कहकर वह अपने काम में लग गई। अघोरमयी कमरे में लौट आई और निर्जीव की भांति बिछौने पर पड़ गई। पीड़ित संतान की खबर लेने का उत्साह तक उन्हें नहीं रह गया। बार बार उनके मन में यही होने लगा कि वह कल नहीं आया, आज भी नहीं आया। बार बार संभव असंभव अनेक कारणों को खोजते हुए यह बात एक बार भी उनके मन में नहीं आई कि वह कलकत्ते का निवासी नहीं है, दूसरी जगह उसका घर है, आत्मीय स्वजन है, वहां लौट जाना भी संभव है। सोचते सोचते हठात उनके मन में हुआ कि कहीं वह क्रुद्ध तो नहीं हो गया है। इस बात के फिर मन में आते ही उनका हृदय आशंका से भर गया और बहू के थोड़ी देर पहले के आचरण से इस बात का मन ही मन मिलान करके देखने पर वह संदेह और दृढ़ हो गया। यही तो बात है, बहु यदि ऐसा कुछ। अब वह सो न सकी और उठकर रसोई घर की तरफ गई। किरणमयी प्रज्वलित अग्नि की ओर देखते हुए चुप बैठी थी। उसके मुंह पर जलते हुए ईंधन का रक्तिम आलोक बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ रहा था। सिर पर वस्त्र नहीं था, आज उसने केश बांधे ही ना थे, बस किसी तरह से अव्यवस्थित बालों को एकत्र कर लिया था। अघोरमयी दरवाजे के सामने चुप खड़ी रह गई। आज जो चीज उनकी आंखों में पड़ी उसे पूरी तरह हृदयंगम करने की सामर्थ्य उनमें नहीं थी। जिस स्तब्ध मुख पर आग का रक्तिम आलोक विचित्र तरंगों की तरह खेलता फिरता था, वह मुंह उनकी सारी समझ के बाहर था। इस मुंह में कोई खोट है या नहीं, यह आलोचना निरर्थक है। उसे खोट रहित निर्दोष भी नहीं कहा जा सकता। यह अद्भुत है, इसे पहले कभी देखा नहीं, यह अपूर्व है। टकटकी लगाकर बहुत देर तक देखने के बाद अकस्मात एक दीर्घ निश्वास उनके मुंह से निकल गया। उस आवाज से चकित हो बहू ने देखा, सास खड़ी है। खिसके हुए आंचल को माथे के ऊपर खींचकर बोली, तुम यहां क्यों आई माँ? स्वर सुनकर उन्हें और चोट लगी। ऐसा शांत, ऐसा करुण स्वर उन्होंने और कभी नहीं सुना था। खप से बोल उठी, तुम अकेली खाना बना रही थी बेटी, इसलिए यहां बैठने को आ गई। बहू ने उनकी तरफ एक पीढ़ा बढ़ा दिया और चूल्हे की ओर देखती हुई चुप बैठी रही। उसके मन में फिर विरक्ति ने सिर उठाया। गंध जैसे वायु का आश्रय लेकर फूल के बाहर आ जाती है और तूफान में उड़ जाती है। किरणमयी के मन का भाव उस समय सास के आकस्मिक आगमन से उसी तरह क्षण भर में बाहर आकर इस छद्म स्नेही की आंधी में उड़ गया। यह सत्य नहीं है, भद्दी प्रताड़ना मात्र है, किंतु बात को काटना उसे अच्छा नहीं लगता था। निरंतर झगड़ा करते करते
वह सचमुच थक चुकी थी। कुछ देर स्थिर रहकर अघोरमयी बोली, एक बार जरा दासी को बुला तो ला। किरणमयी ने भीतर के सारे विद्रोह को दबाकर शांत भाव से पूछा, क्या जरूरत है माँ? मैं तो रोज ही अकेली रसोई करती हूँ, अकेले रहने की आदत मुझे पड़ गई है। बल्कि वह कमरे में अकेले हैं, उनके पास जाकर किसी का बैठना अच्छा रहेगा। रोग से पीड़ित संतान के उल्लेख से जननी को चोट लगी और वह परेशान होकर बोली, वहीं जाती हूँ, तुम भी जरा जल्दी काम खत्म करके चली आना बेटी। इस बीच उपेंद्र घर लौट गए थे। सतीश भी एक ही दिन और उपेंद्र के साथ हारान को देखने आया था, फिर नहीं आया। वह तो अपनी ही व्यथा में परेशान था। उपेंद्र ने उसके अनमने भाव और इस घर में आने की उसकी अनिच्छा को जानकर उसे कभी कहा नहीं। चिकित्सा की तथा दूसरी सब व्यवस्था अकेले ही तय करते थे। कलकत्ता छोड़कर घर लौटने के दिन सतीश को बुलाकर कह गए थे कि बीच बीच में खबर लेता रहे और उसे चिट्ठी लिखकर जताता रहे। आज सतीश को स्कूल से लौटते ही उपेंद्र का पत्र मिला। उन्होंने लिखा था, विश्वास करता हूं लिखाई पढ़ाई ठीक ही चल रही होगी। कई दिनों से हारानदा की खबर ना मिलने से चिंतित हूं। यद्यपि जानता हूं कि खबर देने की जरूरत ना होने से ही तुमने ना लिखा होगा, तथापि उनकी चिकित्सा कैसी हो रही है यह लिख कर बताना। सतीश की पीठ पर चाबुक सा लगा। उसने एक दिन भी जाकर खबर नहीं ली। इस बीच उस घर में न जाने क्या कुछ घट सकता है। फिर उपेंदा उसी पर निर्भर करके घर गए हैं। वह तेजी के साथ नीचे उतर गया। बिहारी जलपान लिए आ रहा था। धक्का खाकर उसका गिलास गिर पड़ा, परंतु सतीश ने उलटकर देखा भी नहीं। सड़क पर आकर एक खाली गाड़ी में बैठ गया और तेजी से हांकने को कहकर रास्ते की ओर ध्यान से देखने लगा। उसे भय था कि कहीं पहचान न सकने के कारण गली पीछे छूट न जाए। लगभग 20 मिनट बाद जब वह गाड़ी छोड़ उस छोटी गली में घुसा, तब भी दिन बाकी था। पांव के नीचे खुला नाला और चलने की राह तथा सिर के ऊपर आकाश और प्रकाश तब भी अंधकार में निमग्न नहीं हुए थे। तेज कदमों से चलकर जब वो 13 नंबर मकान के सामने पहुंचा तो तुरंत दरवाजा खुल गया, जैसे कोई उसके लिए प्रतीक्षा करता उसकी राह देख रहा हो। सतीश का कलेजा अंदर से कांप उठा। सहसा वह अंदर न जा सका। किवाड़ के बगल में ही किरणमयी खड़ी थी। उसने अपना हंसता हुआ मुख जरा बाहर निकालकर बड़े ही आदर के साथ कहा, आइए देवर जी, खड़ी क्यों है? फिर देवर जी, लज्जा के मारे सतीश का मुंह लाल हो उठा, किंतु तुरंत संभलकर विनीत भाव से बोला, मैं देखता हूं आपने अभी तक मुझे माफ नहीं किया है। किरणमयी ने कहा, नहीं, आप तो माफी चाहते ही नहीं। जाने से पहले ही स्वाभिमानी प्राणी का निरादर हो गया। निरादर करने वाली छोटी कीमत की चीज तो तुम हो नहीं देवर जी। उसकी इस प्रसन्न रहस्य भरी बात के बीच भी एक ऐसी गंभीर करुणा प्रकट हो उठी कि सतीश ने सिर झुकाकर मृदु स्वर में कहा, मेरी कोई कीमत नहीं है भाभी जी, मेरा कोई निरादर ना होगा, मुझे आप माफ कर दें। किरणमयी ने कुछ हंसकर कहा, देवर जी, ऐसी अनेक चीजें हैं जिनको क्षमा करने के साथ ही वे समाप्त हो जाती हैं। आज यदि तुमको क्षमा कर देने पर पुनः सतीश बाबू कहकर बुलाना पड़े तो वैसा होने पर मैं तुमसे कह देती हूँ देवर जी कि वह क्षमा आपको नहीं मिलेगी। पकड़े रखने के लिए एक सांकल तुमने स्वयं ही मेरे हाथ में दे दी है, वह मीठी बात भूल जाएगी, ऐसी मूर्खा या भाभी नहीं है। इतना कहकर उसने एक विशेष भाव से सिर हिलाया, किंतु सतीश चौंक पड़ा। यह सांकल में बांधने की उपमा उसे अच्छी नहीं लगी, बल्कि हठात उसके मन में आया कि उसे असावधान पाकर यह औरत सचमुच कोई कठोर सांकल उसके पांव में बांध रही है। इसलिए क्षण मात्र में उसकी सहज बुद्धि
आत्मरक्षा के लिए तैयार होकर खड़ी हो गई। घर में प्रवेश करने के समय उनकी आंखों में जो दृष्टि कर्तव्यहीनता के धिक्कार से कुंठित और लज्जा से विनम्र दिखाई पड़ी थी, धक्का खाकर वही संदिग्ध और तीव्र हो उठी। किरण मई ने कहा, किंतु देवर जी, तुम्हारा मुख सूख गया है, शायद अभी तक तुमने नाश्ता नहीं किया है, आओ कुछ खा लो। सतीश ने कुछ भी नहीं कहा और निमंत्रण स्वीकार करने को तैयार हो गया। और इस रहस्य कौतुक में कितना केवल रहस्य है और कितना नहीं, अत्यंत संशय के साथ इसी का विचार करते हुए उसने इस रहस्यमय रमणी का अनुसरण किया। ऊपर जाकर बहू उलट कर देखती हुई बोली, आज दासी को लेकर माँ कालीबाड़ी गई है, रसोई घर में बैठकर तुम जरा मेरी पूड़ियां बेल दो, मैं सेक कर उतारती जाऊंगी, कर सकोगे? तुम ऐसा कर सकोगे यह तो तुम्हें देखते ही समझा जा सकता है, आओ। सतीश ने अंतर के द्वंद को दबाकर भले मानुष की भांति प्रश्न किया, पूरी बेल सकता हूं, क्या यह बात मेरी देह पर लिखी हुई है भाभी? किरण मई ने कहा, लिखे हुए को पढ़ना जानना चाहिए देवर जी, उस रात को मेरे शरीर में भी तो कुछ लिखा हुआ था, तुमने उसे पढ़ भी लिया था। सतीश ने फिर मुंह बना लिया। रसोई घर में जाकर पहले इस प्रकार की नोक झोंक तथा उसके बाद दोनों के मिलकर भोजन की तैयारी करने के बीच जब इस संघर्ष की गर्मी प्रायः ठंडी पड़ गई, तब किरण मई ने पूछा, तुम्हारी बहुत सी बातें तुम्हारे उपेंदा के मुंह से सुनी है। अच्छा देवर जी, लगता है वह यहां नहीं है, क्या घर लौट गए हैं? सतीश ने कहा, हाँ। किरण मई बोली, मैं जानती हूं वह यहां नहीं है, किंतु माँ विश्वास नहीं करना चाहती, माँ कहती है कि उनको बताए बिना उपेंद्र बाबू कभी नहीं जाएंगे, लगता है उन्हें एकाएक जाना पड़ा होगा। सतीश को ठीक पता न था, वस्तुतः वह कुछ जानता ही न था। इस बीच इन्हीं लोगों को लेकर दोनों मित्रों के बीच जो अप्रिय बातचीत हो गई थी वह भी कही नहीं जा सकती थी, इसलिए सतीश चुप हो रहा। उपेंदा के बिना कहीं चले जाने का कारण वह किसी तरह अनुमान नहीं कर सका, किंतु किरणमयी ने बात दबने नहीं दी, बोली, देवर जी, तुम्हारे दादा का यह काम तो अच्छा नहीं हुआ, अगर वह कहकर जाते तो कोई उन्हें पकड़कर रख नहीं लेता, और माँ इतनी चिंतित ना होती, मैं किसी तरह उन्हें समझा नहीं पाती कि उपेंद्र बाबू सदा यहाँ नहीं रह सकते, दूसरी जगह उनका घर बार है, काम काज है, उन सब चीजों को छोड़ मनुष्य दूसरे के दुर्भाग्य को लेकर कब तक रुका रह सकता है, किंतु बूढ़ों से कोई भी युक्ति नहीं चलती, वे अपने मतलब की बात के अलावा संसार में और कुछ देख नहीं पाते। सतीश ने उस बात का ठीक जवाब न देकर कहा, उपेंदा इतने दिनों तक बाहर रहे यही आश्चर्य की बात है, कहीं भी ज्यादा दिन तक रहने का उनका स्वभाव नहीं है, विशेषतः शादी के बाद से एक रात भी कहीं ठहर जाने पर सिर खपाना पड़ता है, पहले सभी विषयों में वही हम लोगों के कर्ता थे, अब एक एक करके सब छोड़ दिया है और घर का कोना पकड़ लिया है, यद्यपि अदालत जाना सर्वथा बंद नहीं किया है, किंतु एक ही बार जाते हैं, जरा देखिए ना। किरण ने बीच में रोक कर कहा, बैठो देवर जी, तुम्हारे खाने की जगह ठीक कर दूं, तब बैठती हूं, तुम खाते खाते बात करना, यही ठीक रहेगा। इतना कहकर आसन डाल दिया और थाली में कायदे से आहार सजाकर पास बैठ गई और बड़े ही आग्रह के साथ बोली, उसके बाद? सतीश ने पूरी का एक टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा, वह कोई ब्याह ठीक करने की बात है भाभी, उपेंदा एक अच्छे घटक हैं, पता नहीं कितने लोगों का ब्याह उन्होंने कराया होगा, हमारे दल के एक लड़के के विवाह में उपेंदा ने शुरू से अंत तक सारा प्रबंध अपने ही हाथ से किया था, किंतु विवाह की रात वह कहीं दिखाई ना पड़े, छोटी बहू की तबीयत ठीक नहीं है, यह कहकर किसी तरह वह घर से बाहर नहीं निकले,
हम सब लोगों ने मिलकर उनसे अनुरोध किया, किंतु कुछ परिणाम नहीं निकला। शायद पत्थर के देवता से इतनी विनती करने पर कुछ हो भी जाता, किंतु उपेंदा को राजी नहीं किया जा सकता। मैं अच्छी हूं कहकर स्वयं छोटी बहू ने अनुरोध किया, किंतु उन्होंने उत्तर दिया, तुम्हारे भले बुरे की विवेचना का भार मेरे ऊपर है, तुम्हारे अपने ऊपर नहीं है, तुम चुप रहो। किरणमयी स्तब्ध होकर बैठी रही। उसका समस्त विगत जीवन उसी के हृदय के अंधेरे अंतस्तल में उतरकर और उमड़ उमड़ कर मानो किसी रत्न की खोज करता फिरने लगा। किंतु सतीश कुछ भी समझ नहीं सका। कौन सी बात कहाँ क्या चोट करती है, उसकी क्या वह कोई खबर रखता है? वह तो कहता गया इस अनुपस्थिति की, किसने किस तरह निंदा की, किसने क्या कहकर व्यंग और उपहास किया, कितना आनंद नष्ट हो गया, यही सब। किंतु श्रोता कहाँ है? इस तुच्छ कहानी से किरणमयी उस समय बहुत दूर चली गई थी। हठात सतीश ने पूरी खाना और बातचीत बंद करके पूछा, आप सुन रही हैं? क्या सोच रही हैं? किरणमयी चकित हो हंसती हुई बोली, सुनती क्यों नहीं हूं देवर जी, किंतु मैं कहती हूं कि कष्ट और बीमारी में सेवा शुश्रूषा करना ही तो ठीक है। सतीश ने उत्तेजित होकर कहा, ठीक तो है, किंतु घर घुसरापन क्या अच्छा है? जब छोटी बहू को छोटी चेचक निकली थी, उपेंदा 8-10 दिनों तक उनके सिरहाने से उठे नहीं। घर में इतने लोग हैं, उनका नहाना खाना बंद करने की क्या जरूरत थी? किरणमयी कुछ देर तक उसके मुंह की तरफ चुपचाप देखती रही, फिर पूछ बैठी, अच्छा देवर जी, तुम्हारे उपेंदा क्या छोटी बहू को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं? सतीश तुरंत बोला, ओह, अत्यंत गहराई से प्यार करते हैं। किरणमयी कुछ देर तक चुप रहकर ताकती हुई बोली, छोटी बहू देखने में कैसी है देवर जी? खूब सुंदर है। हाँ, खूब सुंदर है। किरणमयी मीठी हंसी हंसकर बोली, मेरी तरह? सतीश मुंह नीचा किए रहा। थोड़ी देर बाद न जाने क्या सोचकर मुंह ऊपर उठाकर बोला, क्या आप सचमुच यह बात जानना चाहती हैं? सचमुच नहीं तो और क्या देवर जी? सतीश ने कहा, देखिए, मेरे मतामत का कोई विशेष मूल्य नहीं है, किंतु यदि कुछ मूल्य हो तो मैं कहूंगा कि आप जैसा रूप संसार में दूसरा नहीं है। किरणमयी न जाने क्या कुछ जवाब देने जा रही थी, किंतु ठीक इसी समय नीचे से किसी के पुकारने की आवाज सुन वह उठ खड़ी हुई। माँ कालीबाड़ी से लौट आई थी। सतीश जलपान समाप्त करके बाहर आते ही अघोरमयी के सामने पड़ गया। उन्होंने बहू की ओर देखते हुए पूछा, उपेन का भाई है ना बहू रानी, वह कहाँ है? किरणमयी ने कहा, वह घर लौट गए हैं। अघोरमयी थोड़े में अच्छा कहकर उसके सिंदूर और चंदन चर्चित मुंह पर कालीमा फिर अपने बेटे के कमरे में चली गई। सतीश ने कहा, तब मैं जाता हूं भाभी। किरणमयी ने अनमने भाव से कहा, अच्छा। सतीश दो एक पग जाकर ही लौटते हुए बोला, उपेंदा की चिट्ठी आई है, उन्होंने पूछा है कि हारान दादा की चिकित्सा कैसी चल रही है। किरणमयी बोली, चिकित्सा बंद है, जिस डॉक्टर ने देखा था उसे दिखाने को राजी नहीं थे, फिर वह अपनी राय भी बता नहीं गए। सतीश आश्चर्य में भरकर बोला, यह कैसी बात है, चिकित्सा बिल्कुल बंद करके बैठी हुई है, यह कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था किए बिना ही तो वह चले गए। मुझे याद आता है कि एक बार उन्होंने कहा था कि सतीश रहेगा, वही व्यवस्था करेगा, परंतु तुम तो आए नहीं देवर जी। सतीश क्षण भर अवाक खड़ा रहा, फिर बोला, कल सुबह ही आऊंगा। इतना कहकर तेजी से बाहर निकल गया। सतीश के चले जाने पर किरणमयी ने पति के कमरे के किवाड़ थोड़ा खोलकर देख लिया कि वह एक मोटे तकिए के सहारे लेटे माँ के साथ धीरे धीरे बात कर रहे हैं। उन्हें आज भी शाम को ज्वर नहीं आया,
इतना ही समाचार लेकर वह निशब्द लौट आई और बाहर अंधेरे में चुपचाप बैठ गई और अपूर्व ममता के साथ जो कुछ उसके मन में था उसे सींच कर हरा करने लगी। आज सतीश के मुंह से सुने उपेंद्र के अधःपतन की कहानी ने उसकी समस्त छाती को मधुरिमा से भर दिया। आज जो कुछ भी उस जगह आया वह मधुर होकर किरणमयी को अनिवर्जनीय रस से स्निग्ध करने लगा।